नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X6 Neo 5G वर्सेस Oppo R59 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X6 Neo 5G में 6.34 इंच जबकि Oppo R59 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X6 Neo 5G में 2.95 इंच जबकि Oppo R59 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो X6 Neo 5G में 0.3 इंच जबकि Oppo R59 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X6 Neo 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X6 Neo 5G में 175 ग्राम जबकि Oppo R59 5G में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि X6 Neo 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X6 Neo 5G में AMOLED जबकि Oppo R59 5G में इट्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X6 Neo 5G में 6.67 इंचेस जबकि Oppo R59 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X6 Neo 5G में 1080x2400px FHD+ और Oppo R59 5G में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X6 Neo 5G में 88.95% जबकि Oppo R59 5G में 84.46% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X6 Neo 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo R59 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X6 Neo 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo R59 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X6 Neo 5G में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo R59 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X6 Neo 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo R59 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X6 Neo 5G में MediaTek Dimensity 6080 और Oppo R59 5G में MediaTek Dimensity 6020 मिलता है। बात करें RAM की तो X6 Neo 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Oppo R59 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X6 Neo 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Oppo R59 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो X6 Neo 5G में 3 कलर्स जबकि Oppo A59 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X6 Neo 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹14,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹17,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Oppo A59 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹14,999, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Poco X6 Neo 5G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A59 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X6 Neo 5G आगे है, मेन कैमरा में X6 Neo 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Oppo A59 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Motorola Edge 50 Fusion 5G है, तीसरा Realme GT60 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo N65 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।